बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद, वेलकम आपका अरब इन्फो पर। यह वीडियो कुवैत में रहने वाले भाइयों के लिए है जो गैर मुल्की हैं, आप किसी भी सिटी में रहते हैं कुवैत के अंदर, तो हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं कि अगर आप कुवैत में रहते हैं तो बारबेक्यू क्यों किसी भी जगह आप नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो आपको भाईजान 2000 दिनार फाइन होगा। अगर आपको बल्दिया पकड़ लेती है, शुरता पकड़ लेता है, तो 2000 फाइन किया जाएगा। मैं अभी आगे भी आपको कुछ बताने वाला हूँ, समझिएगा ज़रा, सोचिएगा। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो ज़रूर आपको मुखालफे का सामना करना पड़ जाएगा। ये मत कहेगा मैंने तो पिछले हफ्ते किया था, मैंने 2 दिन पहले बारबेक्यू किया था समंदर के ऊपर बैठकर। मैं आपको बताता चलूँ, ये आज की अपडेट है जो आज अपडेट की है, जो कि कुवैत गवर्नमेंट ने पब्लिक की है अपने ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर। कहा जा रहा है कि आप जो अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ ही सिर्फ बारबेक्यू किया जा सकता है। जो इससे हटकर कोई भी अपनी मर्जी से बीच पर जाकर या किसी भी जगह पर आप बैठे हैं तो जाकर आप लगा लेते हैं अपना बारबेक्यू बनाना शुरू कर जाते हैं एक देसी स्टाइल में। आप सोच रहे हैं कि बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, नेपाल है, तो ये आपकी गलत फहमी होगी। आपको बहुत ज़्यादा फाइन हो सकता है, 2000 दिनार। 2000 दिनार आपके कई महीने लग जाएंगे इकट्ठे करने के लिए। ज़रा सोच समझ कर ये काम कीजिएगा। अगर आप फैमिली के साथ भी हैं, चाहे आप अकेले हैं, आप जिस तरह भी हैं, ये बारबेक्यू क्यों सिर्फ जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ जगह है वहीं किया जा सकता है, इसके हटकर नहीं किया जा रहा और ना ही कर सकेंगे। अगर कोई भी आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्या इस बात पर एग्री करते हैं कि कुवैत में ऐसा ही कानून आ चुका है। अगर नहीं आया तो इससे पहले तो आप कर चुके हैं जो गलतियाँ, भूल जाइए, अब एहतियात कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, अलाने के बाद।